Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Basic Concepts of Geology. We have already discussed 10 questions from the CHAM 2007 question paper. Let's see the question number 11. We have a landform in group 1 and corresponding geological agent in the group 2. We have to match. You must have read all these landform in a Bangar or Mahapatra book. So let's do it quickly. Point Bar is formed by the river, Sirkyu is formed by the glacier, Yardang is formed by the wind and Bom is formed by the sea. Quickly. Look at the diagram of these features. Point Bar is like this. If it is a meandering river, when the meandering rivers erode from, this is the undercut side of a meandering river, and this is where this material get deposited, is known as the slip off side. अभी क्या होता है इसमें? Water wave है, इस तरफ को यहाँ पे erode करती है, और फिर ये similarly जो है, इसको यहाँ पे लाके deposit करती है. तो जो यहाँ पे deposit होता है ना, उसको ही बोलते हैं हम पॉइंट बार. तो उसके बाद सरक्यू क्या होता है? सरक्यू ग्लेशियर से बना होता है. सरक्यू आपने देखा होगा, ये भी आपके बांगर के बुक में दिया हुआ है. बांगर ये सर्कुलर होलो शेप होता है, जो कि फॉर्म होता है इन द सरफेस ऑफ अ ग्लेशियर वैली. तो ये सर्कुलर होलो शेप को बोलते हैं हम सरक्यू. यारडांग, यारडांग आपने महापात्रा की बुक में देखा होगा कि एक डायग्राम है, ये इस तरह का डायग्राम देखा होगा, जो कि विंड के द्वारा फॉर्म होता है ड्यू टू द एब्रेशन. एब्रेशन इज इम्पॉर्टेंट. By which process Yardang is formed. Bom is a depositional feature which is formed. Here coarse and sand particle is deposited by the wave, high tide of sea. This is sea. When high tide comes, it deposited like this. It is also known as a sea terraces. So this is a depositional feature. Let's come to the next slide. Point Bar is very important, and there are few questions asked from this topic. That is from meanders. देखो ये river के different stage है. ये हमारा young stage है और ये mature stage of river है. तो अभी young stage में क्या होता है, ये river का जो flow direction है वो straight होता है. With the time क्या होता है, जब जैसे जैसे ये river mature होते जाती है, तो ये क्या होता है, ये ग्रेडर प्रोफाइल को एक्वायर करती है जो मैच्योर रिवर होता है. अब जो ग्रेडर स्ट्रीम होता है, ऑलरेडी मैंने बता रखा है आपको, थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि ग्रेडर प्रोफाइल और ग्रेडर स्ट्रीम क्या होता है. तो उस टाइम क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है बिटवीन डिपोजिशनल एंड एरोजन. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ये वेव होता है ना, ये क्या करता है, साइड वाइज कट करना शुरू करता है. जो रिवर बैंक पे होता है, यहाँ पे इरोड करना शुरू करता है और इस मटेरियल को अपने साथ लाता है, फिर यहाँ डिपॉजिट करना शुरू करता है. तो धीरे धीरे ये प्रोसेस क्या होता है, इरोजन और डिपोजिशन कंटिन्यू होता है. तो फिर इस वाले कर पे आपका सेडिमेंट्स, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, इसको बोलते हैं हम पॉइंट बार. ऑलरेडी मैंने बताया कि जहाँ पे ये कट होता है उसको बोलते हैं अंडर कट, और जहाँ पे ये डिपॉजिट होता है उसको बोलते हैं स्लिप ऑफ साइड. तो इस तरह से पॉइंट बार का फॉर्मेशन होता है. अब विद द टाइम क्या होता है, जो मीएंडर रिवर्स होते हैं वो शिफ्ट होते हैं. एक तो डाउनवर्ड शिफ्ट होंगे, और दूसरा क्या होता है, जो साइड वाइज भी शिफ्ट होते हैं. तो क्या इसकी वजह से क्या होता है, रिवर अपना कोर्स जो है चेंज करते रहता है. अब क्या होता है, फिर ये प्रोग्रेस करेगा तो एक स्टेज ऐसा आता है कि ये जो नेक ऑफ द रिवर है काफ़ी नैरो हो जाता है. नैरो होने की वजह से क्या होता है, फिर ये जो फ्लो है उसका स्ट्रेट फॉलो करने लगता है और इस पार्ट को बिहाइंड छोड़ देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे फिर ये सिल्ट पार्ट डिपॉजिट होते हैं. तो ये जो है ओल्ड मीएंडर, ये इससे कट ऑफ हो जाता है. फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इसमें वाटर जो है स्टैग्नेंट वाटर फिल हो जाते हैं. जब ऐसे शेप में स्टैग्नेंट वाटर फिल हो जाता है तो इसको बोला जाता है ऑक्सबो लेक. तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं. कि अब देखो, जैसे कि हमने डिस्कस किया मेंडर किस स्टेज में होता है, मैच्योर स्टेज ऑफ रिवर में वी गेट द मेंडर. वी डिस्कस द डिफरेंट टर्म, अंडर कट साइड, स्लिप ऑफ कट साइड, पॉइंट वा, एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेंडर एंड ऑक्सबो लेक. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि एक क्वेश्चन जो कि नेट जेआरएफ में अक्सर आता है, वो क्या होता है कि देखो, वो पूछता है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि रिवर के किस साइड, कॉनकेव साइड में डिपॉजिट होता है या इरोजन होता है, कॉनकेव साइड में इरोजन होता है, डिपॉजिट होता है. आई मीन टू से कि एक टेबल बना लो, जैसे कि ये मान लो कि डिपोजिशन है. कुछ लोग कन्फ्यूज कहाँ होते हैं, उनको लगता है ये वाला पार्ट जो है ना कॉन्वेक्स है और ये वाला पार्ट कॉनकेव है, बट नहीं, ऐसा नहीं है. अगर आप ऐसा सोचोगे तो देखो, आपको लगेगा कि ये कॉन्वेक्स साइड में क्या होता है, इरोजन होता है, और ये कॉन्केव साइड पे क्या होता है, यहाँ भी तो इरोजन ही होता है. फिर आप कंफ्यूज कर जाओगे कि कौन सा होगा. ऑलरेडी हमको पता है. अब इसको और अच्छे से समझते हैं हम एक डायग्राम के थ्रू. अभी मान लो कि ये एक और मेंडर रिवर का डायग्राम बनाया, इसको हम दोनों बैंक बना, रिवर के दोनों बैंक बनाते हैं इसमें. ओके, अब जैसे कि मैंने बोला कि कुछ लोग कन्फ्यूज करते हैं, ये वाला पार्ट जो है हमारा कॉन्वेक्स है, ये कॉन्केव है.
तो ऐसा नहीं है, हमें सेम ही पॉइंट पे फोकस करना है। अब इस पे फोकस करो आप, अभी अब इस पे सिर्फ फोकस करोगे तो देखो ये ऐसा है कुछ है। अब क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है, देखो वाटर फ्लो डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका, वाटर फ्लो के वजह से ये वी बनाया, तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स। और ये जब इसको देखोगे, कॉन्वेक्स के अपोजिट ये वाला पार्ट है आपका कौन क्या है? तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हो, कॉन्वेक्स की तरफ जो होता है हमारा इरोजन होता है, और कॉनकेव साइड की तरफ हमारा डिपोजिशन होता है, जिधर की स्लिप ऑफ साइड और पॉइंट बार फॉर्म होते हैं। तो ये था, यहाँ से ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो हम सही करेंगे। आइए बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज अ जियोमॉर्फिक फीचर प्रोड्यूस एट द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या होता है, जहाँ पे प्लेट अवे फ्रॉम इच अदर जाती है। चलो फटाफट हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। चलो अभी देखो क्या है, ये हमारा डाइवर्जन प्लेट है, ये हमारा कन्वर्जन प्लेट है। यहाँ पे क्या फिर बनाता है, ये ट्रेंच होता है, और ये हमारा ओशियनिक क्रस्ट है। अगर ओशियनिक क्रस्ट है तो अब ये जब ये भी हमारा ओशियनिक है, जब ये ओशियनिक ओशियनिक के अंदर सब्डक्ट करता है, तो ये फॉर्म करता है यहाँ पे आइसलैंड आर्क। तो यहाँ से आइसलैंड आर्क है जो हमारा कन्वर्जन प्लेट पे बनता है, तो आइसलैंड आर्क नहीं होगा हमारा। अब फोल्ड माउंटेन बेल्ट्स क्या होता है ना, कन्वर्जन जब कॉन्टिनेंट प्लेट के अंदर सब्डक्ट करता है तो फोल्ड माउंटेन बेल्ट बनाता है, जैसे हिमालय इज एन एग्जाम्पल। अब देखते हैं कि जियोट क्या होता है। अब ओशियनिक रिज की बात करो, ये हम इसको क्या बोलते हैं, मिड ओशियनिक रिज बोलते हैं। तो ओशियनिक रिज इज फॉर्म एट द डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री, यहाँ से जहाँ पे न्यू क्रस्ट डेवलप होता है। यहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे न्यू क्रस्ट डेवलप होता है, फिर ये आफ्टर अ टाइम अब जो है ये सबडक्ट हो जाता है। तो ये थे बेसिक, यहाँ से हम डायरेक्ट अपना ओशियनिक रिज वाला आंसर कर सकते हैं, बट थोड़ा हम इसको डिटेल देखते हैं, क्योंकि हम हमेशा एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। अब ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ ये फॉर्म होता है तो यहाँ पे क्या बनता है, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, और यहाँ ये सबडक्ट कैसे होता है, तो हम उस पर फोकस करते हैं। आइए हम देखते हैं एक नेक्स्ट डायग्राम। इस पे देखिए, जैसे कि मैंने कहा था कि ये मेंडल ब्लूम है, ये डाइवर्जन प्लेट है यहाँ से। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जब यहाँ पे ये वॉल्केनिक आर्क फॉर्म होता है ना, विद द टाइम क्या होता है, ये आपका डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री है, यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्केनिक आर्क फॉर्म हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ, अब क्या होता है हमारा, देखो ये एस्थेनोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है, ओशनिक क्रस्ट है, तो हमारे एस्थेनोस्फेयर के ऊपर लिथोस्फेयर क्या होता है, मूव होता है, तो मूवमेंट की डायरेक्शन हमारी ये है। और ये डिफरेंट डिफरेंट फीचर हैं जो कि ओशनिक क्रस्ट के ऊपर बनते हैं, और ये इसका सरफेशियल एक्सप्रेशन है। तो अभी देखो ये इस डायरेक्शन में यही फीचर वॉल्केनिक आर्क किस तरह से चेंज होता है सी माउंट तक, वही दिखाया गया है इस डायग्राम में। तो आइए थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये हमारा है यंग स्टेज, यंगर फेज है, और ये ओल्डर है, मतलब इसको रिसेंट भी बोल सकते हैं। फिलहाल जो रिसेंट मेंटल प्लूम के ऊपर बनता है वो रिसेंट में क्या बनता है, फिर ये ओल्डर होते होते क्या हो जाता है, अभी देखेंगे। फर्स्ट क्या होता है, वॉल्केनिक आर्क बनता है, फिर ये आगे मूव करता है जैसे जैसे प्लेट, ये सिंकिंग आइलैंड बनता है। आप यही देखो सी फ्लोर पे इस तरह के फीचर्स दिखेंगे आपको, और सरफेक्शियल एक्सप्रेशन इस तरह के देखेंगे उसके। फिर यही क्या होता है, जियोड बनता है। जियोड में क्या होता है, आप देखो ड्यू टू द इरोजन ये इसका जो टॉप होता है ना वो फ्लैट हो जाता है, तो इसको जियोड को क्या बोलते हैं, फ्लैट टॉप सबमेरीन माउंटेन। सबमेरीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये विद इन द ओशियन होता है, तो इसको फ्लैट टॉप सबमेरीन माउंटेन बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री पे भी नहीं बनता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होता। अब यही जियोड क्या होता है, आगे जब और प्लेट मूव करती है तो फिर यहाँ पे कोरल रीफ जो है डिपोजिट होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर ये बैरियर रीफ बनाता है, फिर ये कोरल रीफ ये जैसे जैसे इंक्रीज करते रहता है, तो फिर बीच में ये एक लेक बनाता है जिसको कि लैगून बोलते हैं हम। यहाँ से एक लैगून फॉर्म होता है जो सरफेस पे फॉर्म होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉल बोलते हैं। फिर इसी तरह ये सीमाउंट को फॉर्म करता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है इसको फॉर्म होने के। आई होप आपको समझ में आया गया होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था, बट ये गियोट कैसे फॉर्म होता है इसको बताने के लिए मैंने ये किया था, और ये प्रोसेस कैसे होता है ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही आसान है कि देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंटरी रॉक आर इज फॉर्म बाय द केमिकल प्रिसिपिटेशन। अब केमिकल प्रिसिपिटेशन से कौन सा होता है, लाइमस्टोन होता है, ये तो ईजी है। अब चर्ट होता है कि नहीं है वो देखना है, सैंडस्टोन तो बिल्कुल नहीं होता, सेल भी नहीं होता। अब चर्ट क्या होता है, ये चर्ट होता है माइक्रो क्रिस्टलाइन। ये भी मैंने ना आपको जब मिनरल्स के आप देखोगे उसमें मैंने आपको बताया हुआ है, जब डिफाइन किया है ना मैंने मिनरल को, तब वहाँ पे चर्ट के एग्जाम्पल दिए। तो ये माइक्रो क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज होता है, या फिर क्रिप्टो क्रिस्टलाइन बोल देते हैं, बहुत फाइन मटेरियल ऑफ क्वार्ट्ज के बने होते हैं। और ये फॉर्म होता है, ये प्रिसिपिटेशन से भी फॉर्म होता है। अब इसका फॉर्मेशन प्रिसिपिटेशन से भी होता है और डायजेनेटिक प्रोसेस से भी होता है, तो ये इसका चर्ट भी ऑप्शन होगा। तो यहाँ से बोथ पी एंड क्यू इज राइट आंसर। अब मिनरल विद अ पैची ब्लू कलर विद वेरिएबल हार्डनेस। अब देखो वेरिएबल हार्डनेस की बात होती है,
मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो काइनाइट होता है ना उसमें वेरिएबल हार्डनेस होते हैं। इसमें क्या होता है, एक अलोंग द लेंथ अलग होता है और अक्रॉस द लेंथ अलग होता है। अब ये क्या वैल्यू होती है, आप जाके प्लीज़ आप वो हार्डनेस वाला देखो जिसमें मैंने डिफाइन किया है हार्डनेस, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, प्लीज़ आप जाके देखना। एक बार ही देखोगे, वो 20 मिनट का एपिसोड है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मोहो स्केल से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं मैंने वहाँ पे डिफाइन किया, मोहो स्केल को कैसे याद करना है उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं कि सिलिकेट मिनरल्स कितने होते हैं, हार्डेस्ट सिलिकेट मिनरल्स कौन सा है मोहो स्केल में, तो ये सब मैंने वहाँ पे बताया है। हाइड्रोक्साइड मिनरल कितने होते हैं मोहो स्केल के अंदर और हार्डनेस कैसे परफॉर्म करते हैं और प्रिकॉशन क्या रखना होता है वो सब बताया। अब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल वाला देखो, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, 3 एपिसोड में मैंने डाला है, आप एक बारी प्लीज़ उसको देखो, बहुत ही वहाँ से मैंने एग्जांपल दे दे के बताया है तो वो आपको बहुत समझ में भी आएगा और बहुत आसानी से वहाँ से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से हो गया हमारा ऑप्शन कायनाइट। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये पूछता है एमोनाइट्स के बारे में कि एमोनाइट्स अगर अवेलेबल हो तो वो क्या बताता है, तो इसका देखो आंसर होगा मेसोजोइक एज एंड मेरीन एनवायरनमेंट। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ थोड़ा सा एमोनाइट्स के बारे में, वो एमोनाइट्स क्या होता है ना, उसका क्लास होता है सेफलोपोडा, उसका सब क्लास होता है सेफलोपोडा का नोटोलेडिया, एमोनोइडिया एंड डायब्रेंचिया। नोटोलेडिया और एमोनोइडिया को मिला के बोलते हैं कभी कभी टेट्राब्रेंचिया। ऑन द बेसिस ऑफ सूचर लाइन वी डिफाइन द एमोनोइडिया इन अ डिफरेंट कैटेगरी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सूचर लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमोनाइट्स। अब सूचर लाइन क्या होता है, ये देखो ये जो एमोनोइडिया का डायग्राम है ना, इसमें ये जो डिफरेंट सेगमेंट को कनेक्ट करते हैं उसको ये सूचर लाइन बोलता है। ये क्या हुआ था, टाइम के साथ ना इवोल्यूशन जब एमोनाइट की होना शुरू हुआ था तो ये चेंज होता गया था, सिंपल से देखो आप कॉम्प्लेक्स की तरफ ये इसका सूचर लाइन बढ़ता हुआ गया था। अभी देखो ये एक सिंपल फॉर्म होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन के आता है, ये इसमें सैडल बोलते हैं, जो ये कॉन्वेक्स वाला होता है ना, कॉन्वेक्स टुवर्ड माउथ जो होता है उस पार्ट को हम सैडल बोलते हैं, और जो इन्वर्टिंग कॉन्केव होता है उसको लूप बोलते हैं। तो एक ये सैडल से पूछा जाता है क्वेश्चन, एक लूप से पूछा जाता है, तो ये भी आप अच्छे से करोगे, इसको देख लोगे। उसके बाद देखो जब स्टार्टिंग में जब एमोनाइट फॉर्म हुआ था तो उसके सूचर कुछ इस तरह थे, उसके बाद जैसे इवॉल्व हुआ तो ये देखो कर्व सरफेस बना, नोटोलिटिक इसको बोलते हैं, फिर उसी तरह ये कर्व रिपीट होने लग गए, पहले सिंगल कर्व था फिर ये मल्टीपल कर्व हो गया, तो इसको गोनियाटिटिक बोलते हैं। ये इसका कार्बोनिफेरस एज में हुआ था, एज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। आपको या तो डायग्राम दे देगा, उस नाम उसको बताना बोलेगा कि कौन सा है, या फिर आपको ये पर्टिकुलर सूचर दे दिया जाएगा और एज दिया जाएगा। तो यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं और आपको करने हैं, ये VVI इंपॉर्टेंट है बहुत ही। फिर उसमें देखो जब इवोल्यूशन और आगे बढ़ा, ये तो पहले कर्व बना, सीडल और लूप बना, उसके बाद क्या हुआ, जो लूप वाले पार्ट में है ना ये जिगजैग वाला फॉर्म आया सिर्फ लूप में, इसको बोलते हैं सेराटेटिक, जो कि मिडिल ट्राइसिक इसका एज है। फिर क्या हुआ, ये ओवरऑल जो शेप है वही रहा, सेडल और लूप के शेप में रहा, बट क्या हुआ ये जिगजैग बना दिया पूरा, तो इसी का एग्जांपल है एमोनेटिक। तो इसका एज था क्रिटेशियस। अब क्रिटेशियस किस में आता है, मेसोजोइक एरा में। तो ये थे एमोनाइट से सेफलोपोडा से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि अक्सर आते हैं एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। आई होप इसके बाद आप महापात्र की बुक में दिया हुआ है ये, वहाँ से करो आप, आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया मेसोजोइक एंड मेरीन एनवायरनमेंट। तो देखा आपने, हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 थे, तो लेकिन आपने देखा हमने कितने फैक्ट्स पे डिस्कशन किया। जो सिंपल क्वेश्चन होता है ना, जो होने वाला होता है आराम से, उस पर हम नहीं करते हैं फोकस, जो मुश्किल है या फिर मुझे लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है, जो पहले आए हुए हैं एग्जाम में, अगर वो टॉपिक यहाँ मिलता है तो मैं उसको कोशिश करता हूँ कि यहीं मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बताऊँ, ताकि वो क्वेश्चन आए तो आप दोबारा उसे को कर सको। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आप जितने लोग मुझे सपोर्ट करेंगे मैं उतने अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। फिर अब मिलते हैं कल, सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।